शिवपुरी जिले के फिजिकल थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर अलग अलग माह में दोबार अपनी हवस का शिकार बनाया था। पीड़िता ने हिम्मत कर 25 फरवरी 2024 को फिजिकल थाने में आवेदन देकर घटना की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। जानकारी के मुताबिक फिजिकल थाना क्षेत्र के दर्पण कॉलोनी की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने 25 फरवरी 2024 को एक आवेदन देते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी नलीन उर्फ विक्की कर्मावत ने माह दिसंबर और 10 फरवरी 2024 की शाम करीब 5 से 7 बजे उसके साथ जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर लिया था, लेकिन केस दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गया, जिसे पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। सर, फिजिकल थाना पुलिस ने आज एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, दुष्कर्म का आरोपी है। क्या कुछ मामला है सर? ये दिनांक 25/2/24 को पीड़िता मीडिया द्वारा बलात्कार करने की रिपोर्ट की गई थी, जिस पर से थाना फिजिकल पर अपराध दिनांक 43/24 धारा 376/5/3/4/5 को एक्ट कायम किया गया था, जिसमें आरोपी नलिनी मीडिया के द्वारा बलात्कार किया गया था, जिसे आज दिनांक गिरफ्तार कर लिया गया है, न्यायालय पेश किया जा रहा है। आरोपी का क्या नाम है सर? नलिन कर्मावत उर्फ विक्की पुत्र राकेश कर्मावत। कहाँ रहता है सर ये? निवासी कटरा मोहल्ला पुरानी शिवपुरी। कहाँ निवासी है?